तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो गाइज, आज की इस वीडियो में बात करेंगे पबजी लाइट के एम असिस्ट के बारे में, कि जो भी एम असिस्ट आप लोग के डिवाइस में वर्क नहीं करता है या फिर आप लोग के डिवाइस में एम असिस्ट ग्लिच करता है, उसको आप लोग कैसे फिक्स कर सकते हो। जो कि आप सबको पता ही होगा, आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर कि मैंने आप लोग को पबजी लाइट के जितने भी एम असिस्ट है सबके बारे में आप लोग को पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। एंड उसके अंदर मैंने आप लोग को बताया था जब 25 मार्च होगा उस दिन एक न्यू वीडियो आएगा जिसके अंदर मैं आप लोग को बताऊंगा जो भी आप लोग का एम असिस्ट ग्लिच करता है या फिर वर्क नहीं करता है उसको आप लोग कैसे फिक्स कर सकते हो। तो फाइनली यार वीडियो आ चुका है, एंड इस वाली वीडियो के एंड तक देखना। अगर आप लोग का भी एम असिस्ट वर्क नहीं करता या फिर ग्लिच करता है तो एंड तक देखना, बट उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, एंड साथ में जितने फ्रेंड उनके साथ इस वाली वीडियो को शेयर कर दो। तो चलो फिलहाल आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, बात कर लेते हैं पबजी लाइट के एम असिस्ट के बारे में, कि आप लोग का जो भी एम असिस्ट है उसको आप लोग कैसे फिक्स कर सकते हो। जो कि आप लोग को पता ही होगा पबजी लाइट के अंदर 4 तरह के एम असिस्ट आते हैं, एंड मैंने उसका फुल एक्सप्लेन कर रखा है कि कौन सा एम असिस्ट कैसे वर्क करता है, जो कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग भी बताया था एंड अभी भी बता रहा हूँ। चाहो तो उसको चेकआउट कर सकते हो, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। एंड फाइनली बात करते हैं जो भी आप लोग का एम असिस्ट आप लोग को फोन में ग्लिच करता है या फिर जो भी आप लोग को फोन में वर्क नहीं करता है उसके बारे में। तो गाइस, जहां तक मुझे पहले लगता था कि जितने भी लो एंड डिवाइस है जिनके अंदर की आप लोग पबजी लाइट खेलते हो उसके अंदर आप लोग एम असिस्ट होगा ग्लिच करता हो या फिर वर्क नहीं करता होगा, बट जो मेरा पिछला वीडियो था जो कि एम असिस्ट ग्लिच को मैंने फिक्स करा था उस वाली वीडियो के अंदर, उस पे आप में से बहुत सारे भाइयों ने कमेंट करा था कि मेरे पास में वन प्लस है बट मेरे फोन के अंदर जो भी एम असिस्ट वर्क नहीं करता है। एंड कुछ भाइयों ने यह भी कमेंट करा था कि मेरे पास में पोको X3 प्रो बट उसके अंदर जो भी एम असिस्ट बहुत ज्यादा ग्लिच करता है, तो इसको तो मैं भी फिक्स कर दूंगा। बट यहाँ पे मेरा एक डाउट है जो कि आप लोग को पता होगा जितने भी लो एंड डिवाइस है बहुत ही कम पैसे में आ जाता है, ठीक है, उनका जो एम असिस्ट ग्लिच करता है या फिर वर्क नहीं करता है। एक टाइम के यार सही भी होता है क्योंकि ये लो एंड डिवाइस है तो चलता है, ठीक है, बट जो भी यार 50 मतलब जो भी आप लोगों को पता होगा जो भी वन प्लस आता है तो 50 के आसपास में आता ही है, ठीक है। एंड साथ में जो भी यार पोको X3 प्रो है वो तो 20K+ आता है, इतना जो भी हाई एंड डिवाइस है जो कि आप लोग गेमिंग फोन बोलते हो एंड उसके अंदर जो भी एम असिस्ट ग्लिच करा या फिर वर्क नहीं करा, ठीक है। तो अगर मैं आप लोग एक एग्जांपल दूं, जो मेरा भाई उसके पास में यार वन प्लस एंड उसके अंदर जो है एम असिस्ट बहुत सही चलता है, एंड साथ में मेरा एक फ्रेंड भी जिसके पास में यार पोको X3 प्रो जो कि अभी लेटेस्ट उसने बाय करा है एंड उसके अंदर भी एम असिस्ट यार बहुत सही चल जाता है। तो अभी आप लोग कमेंट में जाओ एंड बताओ कि जो भी यार दोनों भाइयों ने कमेंट करा था कि जो पोको एंड जो भी यार वन प्लस उसके अंदर एम असिस्ट वर्क नहीं करा या फिर ग्लिच कर रहा है, तो उनके फोन में ऐसा क्या सीन था कि इनकी वजह से उनके फोन में ग्लिच कर रहा था, ठीक है। तो अगर किसी को पता है तो कमेंट में बता देना। एंड अगर बात रहता है जो भी एम असिस्ट आप लोग के फोन में ग्लिच करता है या फिर वर्क नहीं करता है उसको आप लोग यार कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आप लोग का जो फोन है उसके अंदर एम असिस्ट ग्लिच करता है या फिर आप लोग के फोन में एम असिस्ट वर्क नहीं करता है तो उसका मेन 2 से 3 रीजन हो सकता है, जो कि सबसे पहला रीजन आता है कि आपने किसी कन्फिग का यूज करा होगा, जो कि शायद से लैग फिक्स कन्फिग भी हो सकता है या फिर क्विक स्कोप जो भी आपने कन्फिग यूज करा होगा उसके वजह से भी आप लोग का एम असिस्ट चला जाता है। एंड सेकंड पॉइंट ये आता है कि जब भी आप लोग अपना गेम स्टार्ट करते हो एंड जो भी सबसे पहला मैच स्टार्ट करते हो एंड अगर उस टाइम पे अगर आप लोग जो है एक रेड जो भी वॉर मोड अगर आप लोग खेलते तो उससे भी आप लोग का जो एम असिस्ट होता है चला जाता है। तो आप लोग अपना गेम स्टार्ट करते हो सबसे पहले अगर एक रेड मोड वगैरह खेलते हो तो आप लोग अपना गेम को रीस्टार्ट कर लिया करो एंड उसके बाद आप लोग अपना क्लासिक में जाना, तभी आप लोग का एम असिस्ट यार सही रहेगा। तो आप लोग का जो मैच होता है उसके अंदर आप लोग का जो बीच बीच में आप लोग का एम असिस्ट ग्लिच होता रहेगा, तो आप लोग एक बार रीस्टार्ट कर लेना। तो अगर बात करते हैं थर्ड पॉइंट करें मैं जिसके अंदर की मैं आप लोग अभी 3 पॉइंट बताता हूँ एंड तीनों को आप लोग ध्यान से सुन लो एंड जो भी आप लोग को पॉइंट बताते उसको आप लोग का भी यूज करना है। तो सबसे पहले आप लोग भी किसी GFX टूल का यूज करते हो तो आप लोग सबसे पहले उसको डिलीट कर दो, बिकॉज आप लोग को पता होगा उसके अंदर एक तरह से कन्फिग होता है, तो आप लोग उसको पहले डिलीट कर दो। एंड सेकंड आता है कि जब भी आप लोग का गेम है उसको ओपन करो एंड जो है उसको ID को लॉग आउट करना है, एंड उसके बाद आप लोग को साइड में देखने को मिल जाएगा रिपेयर का ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करना है एंड जितने भी ऑप्शन आते हैं सब पे टिक करके जो भी आप लोग का गेम होता है उसको रिपेयर कर लेना है। एंड थर्ड पॉइंट, जो भी आप लोग का गेम होता है जब भी आप लोग खेलने जाते हो उस टाइम पे जो भी आप लोग का फोन उसको रिबूट कर लिया करो एंड जैसे आप लोग का फोन रिबूट होकर ओपन होता है तो आप लोग के फोन में क्लीनर तो होगा ही, उससे आप लोग अपने फोन को पहले क्लीन कर लो एंड उसके बाद आप लोग गेम खोलना एंड जो भी आप लोग मैंने अभी पॉइंट बताया उसको आप लोग फॉलो कर लेते हो तो जो भी आप लोग का एम असिस्ट ग्लिच और फिक्स हो जाएगा। एंड साथ में आप लोग का फोन जिसके अंदर जो है एम असिस्ट अगर वर्क नहीं करता है उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, आप लोग न्यू फोन लेना पड़ेगा जिसके अंदर की एम असिस्ट बहुत ही अच्छा हो, एंड अगर वर्क नहीं करता तो उसका कुछ भी सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, आप लोग न्यू फोन ही लेना पड़ेगा। एंड ग्लिच करता तो जो मैंने आप लोग को पॉइंट बता ही दिया है तो बस आप लोग उसका यूज करें एंड जो भी आप लोग का एम असिस्ट ग्लिच उसको फिक्स कर लो। एंड फिलहाल तो बस इतना कुछ आज की इस वीडियो में जो कि मैंने आप लोग को बताया जो भी आप लोग का एम असिस्ट ग्लिच करता या फिर वर्क नहीं करता उसको आप लोग कैसे फिक्स कर सकते हो। एंड अभी आप लोग कुछ दिन से नोटिस कर रहे हो जो भी मेरा वीडियो आप लोग को टाइम पे नहीं मिला हुआ, साथ में रेगुलर भी मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ एंड ये बहुत ही छोटा सा प्रॉब्लम है जो कि यार मेरे घर वाले जो भी मुझे गेम नहीं खेलते हैं, आप लोग समझ सकते हो अगर मैं गेम नहीं खेलूंगा तो मैं वीडियो भी यार नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। तो बस यार छोटा सा ही प्रॉब्लम
टूर्नामेंट देखते अगर फिक्स होता है तो सही है, अगर नहीं होता तो यार यूट्यूब को छोड़ना ही पड़ेगा ठीक है। साथ में जो भी गेम है उसको तो मैंने छोड़ ही दिया है, तो बस देखते अगर फिक्स होता है तो सही, अगर नहीं होता तो क्या ही कर सकते हैं इसका ठीक है। बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखना एंड ये जो वीडियो आप लोग अगर थोड़ा सा ही पसंद आया तो उसके लिए एक लाइक कर देना, साथ में जितने फ्रेंड उनके साथ इस वाली वीडियो को शेयर कर दो। एंड इस वाली वीडियो को देखने के बाद जो भी आप लोग का ग्लिच हो या फिर जो भी आप लोग का फोन एमएसिस्ट वर्क नहीं करता अगर फिक्स हो गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आप नहीं करना चाहते तो मत करना, सिर्फ इस वाली वीडियो को लाइक कर दो एंड साथ में जितने फ्रेंड उनके साथ इस वाली वीडियो को शेयर कर दो। तो अब मिलता हूं किसी और हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।